आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं डरो नहीं डरो नहीं। बस मैं तुम्हें सुला दूंगा। लो। नहीं 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 छटपटाओ नहीं, बस जल्दी ही नींद आ जाएगी। एक मिनट बस एक मिनट। कितनी रात हो गई, कुछ होश है? हाँ। कितनी? पता नहीं। तो फिर हाँ क्यों कहा? बज रहे होंगे 10-11। 2 बज रहे हैं इस वक्त, रात के 2 बज रहे हैं। हाँ 2 बज रहे हैं। सोना नहीं है? नहीं। सारी रात नहीं सोके? नहीं, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। रिजल्ट तो तुम्हें पिछले 10 सालों से मिल रहा है, रोज सुनती हूं तुम्हारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, कोई नई इजाद। बट इट ऑल एंड्स इन नथिंग, इन अ बिग नथिंग, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम ही कहोगे कोई नया सवाल खड़ा हो गया है। कब तक चलेगा ये सब? बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। जानती हो सीमा, बचपन से ही मुझे सवाल पूछने की आदत थी। मैं बहुत कुछ जानना चाहता था, तुम्हारी तरह बाबा भी परेशान हो जाते थे। एक बार मैं और बाबा नदी के किनारे टहल रहे थे, मैं ऐसे कोई 5-6 बरस का रहा होगा, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा नदी हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ ही क्यों जाती। वो कहने लगे कि इसलिए क्योंकि उत्तर में हिमालय के पहाड़ हैं, ऊंचाई है, दक्षिण में समंदर है, नीचाई है, इस वजह से नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती। फिर मैंने उनसे पूछा कि नदी को दक्षिण से उत्तर की तरफ बहाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि नहीं। फिर मैंने कहा कि बीचों बीच बांध क्यों नहीं बांध देते? तब तुम्हारे पिताजी ने कहा ऐसा करने से पानी जमा हो जाएगा और प्रेशर से बांध टूट जाएगा। फिर तुम पूछते हैं घास हरी क्यों होती है, फूल लाल पीले नीले क्यों होते हैं, और तुम्हारे पिताजी कहते पता नहीं बाबा ये सब सवाल मुझे नहीं मालूम, अपने टीचर से जाके पूछो, और साथ में ये भी कहते यू आर अ वेरी प्रिकॉशियस चाइल्ड। अरे तुम्हें तो सब याद है। 1000 बार सुन चुकी हूं इसलिए याद है। अब चलो सोने चलो। नहीं नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। सारी रात जागते रहोगे और सुबह 8 बजे हॉस्पिटल ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। हाँ मालूम है।
ऐसा करने से सेहत कब तक ठीक रहेगी तुम्हारी? मालूम नहीं। अरे जाओ ना, परेशान मत करो, सो जाओ जाके, मुझे भी शांति से काम करने दो। मैं भी शांति से सो नहीं सकती, इसके बारे में कभी सोच के देखा है तुमने? जाओ नींद की गोलियां खा लो। पागल, मैडमैन, पता नहीं क्या देखा था इसमें मैंने। रूड, सेल्फिश, इनकंसिडरेट, खुदगर्ज, कसूर मेरा ही है जिससे शादी की थी मैंने। सीमा मुझे पैसे दे दो, बस का किराया नहीं है। ए सीमा, कहाँ हो तुम? पैसे दे दो भाई, मेरे पास बस का किराया नहीं है। सीमा जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, तुम जैसे खुदगर्ज इंसान से शादी करके। ज्यादा तेवर मत दिखाओ, समझी ना, मैं भी रात भर नहीं सोया हूं। के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकला, एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा, पर वक्त ही कहाँ है, सारा दिन तो वहां अस्पताल में वेस्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी जगह अस्पताल जाके नौकरी तो नहीं कर सकती? हाँ वो तो नहीं कर सकती, पर पैसे तो दे सकती हो। मेरे पास भाड़े के पैसे नहीं है, लो। अरे इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगा? मुझे तो ये बस 2 रुपए चाहिए ट्राम के भाड़े के लिए, बस। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इस बात का होश है तुम्हें? हाँ देखा मैंने, पर क्यों नहीं खाया? मैंने तो मना नहीं किया था। हाँ कैसी तबीयत है? ठीक हूँ सर, आपकी? सर ये एक नया पेशेंट। अच्छा हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं लगता है डॉक्टर साहब, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मतलब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं है डॉक्टर साहब। छोटी छोटी बातों पर आप अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, लंबा सांस लो। कई जगह सूना लगता है। कमजोरी की वजह से हो सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सूना लगता है। ये देखिए। उठो उठो जरा, चलो उठो जरा, चल के दिखाओ। फुटफॉल, ग्लव एंड स्टॉकिंग एनेस्थेसिया। हाँ ठीक है, वापस आ जाओ, आ जाओ, लेट जाओ बिस्तर, सिस्टर। इस पेशेंट को हॉस्पिटल से हटवा दीजिए। घर भेज दूं? घर में उसे जगह नहीं मिलेगी। क्यों? उसका पेरिफेरल नर्व अफेक्ट हुआ है, लेप्रसी। माय गॉड, लेप्रसी? आप एक नर्स होकर भी घबरा गई? घर वाले तो उसके पास तक नहीं आएंगे। अथॉरिटी से कहिए उसे किसी लेप्रसी होम में भेज दें। लेप्रसी, द डैम्ड मेनेस टू मैनकाइंड।
यकीन करना, इस चिट्ठी को लिखते हुए मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह जीते रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू की थी, उस दिन बहुत से सपने देखे थे। सोचा था तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, साथ ही उम्मीद थी कि तुम भी मेरा ख्याल रखोगे, दुख में मेरा साथ दोगे, मेरी गलतियों को सुधार दोगे। पर न जाने क्यों ऐसा हो न सका। जिस दिन मेरे पिताजी गुजरे, उस दिन भी तुम लैब से बाहर नहीं निकले। क्या यही है पति पत्नी का रिश्ता? मुझे लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। एक नौकर के रहने से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। सीमा, ए सीमा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अरे पीछे देम। क्या कर रहे हो, मेरे हाथ जूठे हैं। मैंने उस शैतान को भगा दिया। किसको? वही शैतान जो पिछले 7 वर्षों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। That blithering devil. At last, I'm being able to drive him out. That swine. किसकी बात कर रहे हो? मैं तो समझी मेरे सिवा तुम्हें कोई परेशान नहीं करता। Toxicity. क्या? Toxicity. The toxic factor in my vaccine. और मैं समझी मुझसे कोई गलती हो गई। गलती? ये सब तुम्हारी वजह से सीमा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन फिजूल के कॉम्प्लीमेंट्स में कबूल नहीं करती। फिजूल कैसे? अगर तुमने जेवर बेच के मुझे ये फ्रिज, इंक्यूबेटर और माइक्रोस्कोप नहीं दिलवाया होता तो क्या मैं काम कर सकता था? तुम्हारी माँ की दी हुई 6 जोड़ी चूड़ियां और गले का हार बेचकर मैंने सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, बाकी तो हर महीना तुम ही चुका रहे हो। नहीं नहीं सीमा, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। रियली, अगर तुम नहीं होती तो मैं एक नब्ज देख लूंगा, डॉक्टर बन के रह जाता। दादा, दादा मैं अभी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत परेशान करते हो अमूल। हम अखबार वाले होते ही परेशान करने के लिए हैं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक यू। मेरा कसूर? तुम तो एस्ट्रोफिजिक्स के स्टूडेंट थे ना? हाँ? और एक अच्छे स्टूडेंट, तो फिर साइंस को छोड़कर ये अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंट, साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट बनने की क्या जरूरत थी? डज इट मेक एनी सेंस? दादा सभी कोई तो साइंटिस्ट नहीं बन सकते ना, और जो लोग साइंटिस्ट होते हैं वो किसी और मिट्टी के होते हैं। मैं उस मिट्टी का नहीं बना हूँ, आई नो माई लिमिटेशंस। इस बात का एहसास कब हुआ? PhD के बाद। तुमने तो PhD किया, मैं तो एक मामूली MBBS हूँ। दादा आपके जीन्स में, आपके क्रोमोसोम्स में कुछ है जो PhD और डिग्री होल्डर्स के पास नहीं होता है। बेकार की बात। मैंने जब रियलाइज किया कि मैं एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूँ, तो मैंने सोचा आई लव साइंस, आई कांट लीव साइंस। तो मैंने सोचा कि साइंटिस्ट बने बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, इन द सेंस कि आप जैसे लोगों के काम के बारे में गवर्नमेंट को बताना, ये गवर्नमेंट को ये बताना कि इंडिया में भी फंडामेंटल साइंस के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, और अखबार इसके लिए सबसे अच्छा मीडियम। देखो, लोगों के जानने या ना जानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम अ सेल्फिश मैन, यस आई एम, आई एम बिजी विद माई सेल्फ एंड आई लाइक बींग बिजी विद माई सेल्फ। इंसान की जिंदगी मान लो 70 साल है, 20 साल निकाल लो, 50 साल विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी करने के लिए बहुत कम है। देयर इज ऑलवेज समबडी फ्रॉम विदिन हु इज टेलिंग मी सो मच टू डू, सो लिटिल इज डन। हरी अप। या, वेरी ट्रू। आप जरा अपने काम के बारे में बताइए। कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। कलकत्ता बैक्टीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से मेरे लिए कोई किताब आई है? नहीं। अरे सीधे लैब में चल दिए,
पहले हाथ मुंह तो धो लो। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, कुछ खा लो फिर जो जी मैं करना। हाँ भूख तो लग रही है, बहुत लग रही है। तुम्हें भी भूख प्यास लगती है? आज अमूल्य से मुलाकात हुई थी, जोंक की तरह चिपक रहा है, अभी कोई रिजल्ट निकला नहीं और चाहता है कि उसे सब बता दूं। पब्लिसिटी, इन्हीं लोगों ने साइंस को कमर्शियलाइज कर दिया। अरिजीता के यहां से परमिता का फोन आया था तुम्हारे लिए। भाभी का? कैसे हैं वो लोग? शुक्र है तुमने पूछा। तो वो तो रोज ही फोन करके तुम्हारा हालचाल पूछती रहती हैं, तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं चाहता। भाभी जानती है मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत, और वो भी मुझे बहुत चाहती हैं। अच्छा अंजना कैसी है, मेरी छोटी सी प्यारी सी अंजना कैसी है वो? तुम खुद ही फोन करके पूछ लो ना, अच्छा लगेगा। मैंने चाय नहीं पी अब तक, तो पी लो। कौन घुसा था? मैंने कितनी बार कहा है जब मैं ना रहा करूं तो मेरी लैब में कोई नहीं घुसेगा। कौन घुसा था लैब में? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? धूल जमी पड़ी थी, साफ कर दिया उसे। हाँ रहेगी, धूल भी रहेगी, गंदगी भी रहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सब तहस नहस कर दो। क्या तहस नहस कर दिया? उल्टे तुम्हारे पेपर सब ढंग से रख दिए हैं मैंने। कोई जरूरत नहीं है ढंग से पेपर रखने की। हजार तरह के कागज हैं जिनमें हजार तरह के नोट्स रखे हुए हैं। किसमें क्या लिखा हुआ है ये सब यहां है, मेरे दिमाग में। तुमने सब उठाकर उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब पूरा एक दिन बर्बाद करना पड़ेगा इसे ठीक करने के लिए। वैसे ही वक्त नहीं है मेरे पास, ऊपर से पर नथिंग, वेस्टेज ऑफ टाइम। पता नहीं मुझे इस घर में कब शांति मिलेगी। तो जहां शांति मिलती चले जाओ ना, रोकता कौन है तुम्हें? रोक रही हो तुम और तुम्हारे इडियोटिक अनएजुकेटेड एक्ट्स। देखो तुम्हारी तरह भले ही मैं एक सेल्फ इम्पोज्ड पागल साइंटिस्ट न हूं, लेकिन मैं अनएजुकेटेड नहीं हूं, समझे? मेरे पास भी यूनिवर्सिटी की डिग्री है। जब भी चाहूं किसी स्कूल या कॉलेज में नौकरी मिल ही सकती है। मैं तो छोड़ के चली भी जाऊं, लेकिन क्यों नहीं जाती मालूम है? क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारी देखभाल करने वाला है ही कौन। कोई जरूरत नहीं है मेरी देखभाल करने की। ये देखो तुम्हारी देखभाल का नतीजा। एक वजह और है तुम्हें छोड़ के न जाने की। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है ना, मैं उससे मुक्त नहीं हो पाई हूं अब तक, लेकिन कोशिश कर रही हूं। क्या ब्रुसेलोसिस के बारे में काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ब्रुसेलोसिस पर तो बहुत पहले काम हो चुका है। हाँ वैसे इम्प्रोवाइजेशन वगैरह तो चलता ही रहता है। मैं डॉक्टर साहब एक हार्मोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Thank you.
आधी रात को हाय हाय करके एक्सरसाइज करना, सर पे झरझर करके पानी डाल के नहाना, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? नेसेसिटी नोज नो लॉ, इसका सही मतलब समझती हो? नहीं ना? जब किसी चीज के बारे में समझ ना हो तो बात करने की जरूरत ही क्या है? हाँ, तुम जो चाहे करो, मैं ही अपना मुंह सीलू, है ना? इस घर में एक और इंसान रहता है, उसकी भी कुछ जरूरतें हैं, कभी ख्याल आया है तुम्हें? ना खुद सोते हो ना किसी और को सोने? कभी भी सो सकती हो, कौन रोकता तुम्हें सोने से? तुम। घर में दो छोटे छोटे कमरे हैं, सांस लेना भी मुश्किल, ऊपर से टाइपराइटर की खटखट, जैसे भूतों का नाच हो रहा हो। तुम्हें तो किसी बड़े ओरिजी जैसे डॉक्टर से शादी करनी चाहिए थी, सब कुछ मिल जाता, बड़ा सा मकान, बड़ी गाड़ी, एयर कंडीशन कमरे, सब कुछ। सर, ट्यूबरकुलोसिस में तो हम आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्रोजाइड के साथ पैरा एमिनो सैरासिलिक एसिड देते हैं, इससे टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता? हाँ होता है, विटामिन B6 डेफिशिएंसी हो सकती है। इसमें तो फिर भी हमें एक रीजन मिलता है, लेकिन जहां पर कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो वहां किस तरह से अप्रोच करेंगे? सपोर्टिव थेरेपी देना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो एब्जॉर्ब ड्रग या जहर को निकाल देना पड़ेगा। अच्छा दीपांकर, तुमने तो अपनी टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लिया है ना? नहीं सर, पहले लगा था कि दूर हो गया है टॉक्सिक फैक्टर, लेकिन अभी लगता है बहुत काम करना। तो शुरू कर दो। सीमा, मुझे भूख लगी है, चलो उठो, मुझे खाने के लिए दो कुछ। तुम्हारा खाना टेबल पे रखा है। अच्छा, तुम सोए नहीं अभी तक? रात बर्बाद करने का क्या फायदा, कुछ काम करो तो रात भर जागने का मतलब भी है। काम ही तो कर रही हूं, तुम्हारी शर्ट में बटन टांग रही हूं। ये क्या है, ये खाना है? अरे आधी रात को 4 स्लाइस और 1 केला खाकर कोई रह सकता है? रसोई से स्टोव तो तुम ले गए थे, फिर खाना किस पे बनता? तो दूसरा स्टोव नहीं ला सकती थी? आधी रात को दुकानें खुली नहीं रहती, कल ही खरीदा जाएगा। गैस वाले से कहना कल गैस दे जाए। तुम खुद ही कह देना। अब ये भी मुझे करना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे पे। तुम्हें बताने का क्या फायदा?
अनंत राहेदा कितनी जानी हुई बातें अनजानी रह जाती हैं। महाजी अनंत राहेदा कितनी जानी बातें। तुम्हारी छोटी मौसी ने अपने पोते के अन्नप्राशन पर बुलाया, खुद आई थी, जाने के लिए बार बार कह गई। मेरे पास वक्त नहीं है ऐसी स्टूपिड चीजों के लिए, तुम अकेले चले जाना। अच्छा मुझे सब जगह अकेले क्यों जाना पड़ेगा बता सकते हो? और मुझे सब जगह तुम्हारे साथ क्यों जाना पड़ेगा बता सकती हो? You're the most unsuit. कब तक चलेगा? तुम घुटता है मेरा यहां। इस घर में ना कोई खुशी है, ना किसी इंसान के प्रति प्यार, ना कोई ममता, ना कोई कोई जिम्मेदारी। बस जो भी है इन्हीं के मुताबिक। आज मैं साफ साफ बता दूं, मैंने जानबूझकर इस घर में किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ मां की नहीं होती, उसके इंसान बनने में बाप का भी कोई फर्ज होता है जो तुम्हारे जैसा खुदगर्ज इंसान कभी पूरा ही नहीं कर सकता। तरफ शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। भारत की जनसंख्या में हर वर्ष पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। अगर इसकी रोकथाम के उपाय न किए गए तो देश की प्रगति में बाधा आ सकती है। उसी तरह शिक्षा व्यवस्था को केवल शहरों तक सीमित न रखकर गांव तक ले जाना होगा। कलकत्ता से प्राप्त सूचना के अनुसार दीपंकर राय नामक डॉक्टर ने एक खास टीके का आविष्कार किया है। डॉक्टर राय इस टीके पर पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे थे। उनका दावा है कि यह विशेष टीका भविष्य में कुष्ठ रोगों का नामो निशान मिटा देगा। औरतें गर्भावस्था के दिनों में ही अगर यह टीका ले लें तो भावी संतान में कुष्ठ जैसे रोगों के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने इस टीके के एक पार्श्व प्रभाव पर भी गौर किया है। यह टीका महिलाओं का बांझपन दूर कर सकता है, हालांकि इस बारे में अभी तक वे किसी निश्चित फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं। डॉक्टर राय आजकल कलकत्ते के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं। माँ, ये कहीं अपने दीपू का तो नहीं? अरे हो सकता है, दीपू भैया भी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। कितनी अजीब बात है। ये जरूर अपने दीपू काका होंगे, बाबा को अभी बता कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, चेम्बर में पेशेंट होंगे ना तो नाराज होंगे। खुशी होंगे, दीपू काका तो बाबा के क्लास फ्रेंड है। एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, जब ऊपर आएंगे ना तो बता देंगे। इतना स्टीफ क्यों हो रहे हैं? रिलैक्स कीजिए, पहले भी तो आपका ईसीजी हो चुका है। लीजिए, कपड़े पहन लीजिए। थैंक यू। आइए, पुराना प्रिस्क्रिप्शन लाए हैं? नहीं सर। क्यों? खो गया सर। खो दिया? प्रिस्क्रिप्शन खोने से कैसा चलेगा? हजारों पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन को क्या याद रखा जा सकता है? खैर,
लास्ट ईसीजी कब किया था? महीने भर पहले। आपने ही तो किया था सर, अच्छा भला कमा रहा था, पर अचानक ना जाने क्या हो गया, बैड स्टार्ट सर, नहीं तो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छे स्टार होने से बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती तो इतना पैसा देकर ट्रीटमेंट कराने की क्या जरूरत थी। ये लीजिए, 1 लैसिक्स वंस अ डे, 1 एनरल थ्राइस अ डे और सॉबिट्रेट हमेशा अपने पास रखिए। सीने में दर्द होने पर आधी टैबलेट अपने जबान के नीचे रख लीजिए। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। सुदर्शन, और कोई पेशेंट्स हैं? ठीक है, मैं जा रहा हूं। बाबा बाबा, एक ग्रैंड न्यूज है, दीपू काका ने एक जोरदार काम किया है। दीपांकर ने क्या किया? किसी को पकड़ के मारा पीटा है? नहीं, अभी टीवी पर बताया कि वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है बाबा? बेटे, वैक्सीन वो चीज होती है जिसे हम टीका कहते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स का टीका, पोलियो का टीका। हाँ, दीपू काका ने एक नया वैक्सीन आविष्कार किया है। क्या किया है? एक नया वैक्सीन इजाद किया है जिसके लगाने से लेप्रेसी नहीं होती। दीपांकर यानी अपना दीपू? छे, अरे तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने और अंजना दोनों ने गलत सुना है? डॉक्टर दीपांकर राय मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हैं। फोन करके उन्हें कांग्रेचुलेट करो ना बाबा। न जाने तुम लोग क्या क्या सुन लेते हो, कहीं मैं तुम लोगों की बातों में आकर उसे खटाक से फोन करूं और एक एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए। मैं सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। अरे फोन करो तो सही, दीपू भैया हुए तो खुद ही बता देंगे। मुझे तो इतना प्यार करते हैं कि देखने के साथ ही जेब से मैजिशियन की तरह चॉकलेट निकाल देते हैं। और तेरे बाबा को तो जान से भी ज्यादा चाहते हैं, और किसी को इतना नहीं चाहते। जब भी मिलेंगे पहले गाली। क्या हुआ? न्यूज में क्या आया था जरा बताना। ठीक ठीक कहना, बड़ा चढ़ा के मत बताना। मेरे मुंह से सुनकर क्या करोगे? आज जब टीवी में बताया है तो कल अखबार में भी जरूर छपेगा। 4,000 है। अखबार में 10वीं भी जरूर छपेगी ना बाबा? हाँ बेटे, छप भी सकती है। वैक्सीन फॉर लेप्रसी, डॉक्टर दीपांकर राय अटैच्ड टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज इन्वेंटेड ए वैक्सीन फॉर लेप्रसी। सर, मैं बार बार आपके सामने प्रॉब्लम्स लेकर आता हूँ, आपको डिस्टर्ब करता हूँ, तरह तरह के सवाल करता हूँ आपसे। सवाल कौन करते हैं दीपांकर? जो कुछ जानना चाहते हैं वही सवाल करते हैं। सर, अगर मेरे काम में कोई जरा सी भी रुकावट आ जाती है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, और जब तक हल नहीं मिल जाता है तब तक शांति नहीं आती मुझे। सर, ऐसा ही तो होना चाहिए। हल नहीं मिल रहा कहने से नहीं चलता, हल ढूंढकर निकलना ही पड़ता है। आई नो, हल ना निकलने का मतलब है रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, फुल स्टॉप। साइंस में फुल स्टॉप नाम की कोई चीज होती ही नहीं। यस सर। दीपांकर, एक्सपेरिमेंट किए जाओ रिजल्ट की चिंता किए बगैर। गो ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, एक के बाद एक, फिर एक दिन देखोगे तुम्हारे ये तमाम एक्सपेरिमेंट से कहानी सुना रहे हैं, एक स्टोरी सुना रहे हैं। And that story is important. It took 10 long years to invent this vaccine. He claims that if during pregnancy a mother is inoculated with this vaccine,
her child will be immune to leprosy. Dr. Rai claims that soon leprosy will be eradicated from the face of this earth. Claims that leprosy will be eradicated from the face of this earth. तो यकीन आया ना? पेपर में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसने मुझे ये कभी नहीं बताया कि वो लेप्रेसी पे रिसर्च कर रहा है। टीपू भैया तुम लोगों में से नहीं है, वो किसी और ही मिट्टी के बने हैं। बता तो नहीं सकती, लेकिन उनकी बात ही कुछ और है। ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन उसके माइंड में हमेशा गड़बड़ रही है। मैंने उसे कई बार समझाया गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस कर ले। उसका जवाब होता था, आंखें बंद करके आधे घंटे के लिए किसी की नर्व्स टटोलने की पेशेंस मुझ में नहीं। स्टूडेंट भी वो कोई खास नहीं था, जहां मैं फर्स्ट आता था वो बस बाल बाल पास होता था। पढ़ाई लिखाई में तो उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। कहता था सिलेबस की किताबों में क्या रखा है यार, सिलेबस के बाहर की दुनिया ही तो अनजानी है और अनजानी चीजें ही तो इंटरेस्टिंग होती हैं। अरे कहां चले, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। बस अभी आया। हेलो, आई हैव डन इट अरिजीत, आई हैव डन इट। वो तो दिख ही रहा है, लगता है आज का अखबार सिर्फ तेरे लिए छपा है। 10 साल, इट टुक मी 10 लॉन्ग ईयर्स, लेकिन ये 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इन 10 सालों में मैंने अपने आप को पूरी तरह एंजॉय किया है अरिजीत। आई हैव लिव्ड एवरी बिट एवरी मोमेंट ऑफ इट। जल्दी से किसी दिन यहां आ जा, तेरे रिसर्च के बारे में सुनूंगा। वी लिव टू लर्न। अरे छोड़ साले, तेरे पास टाइम ही कहां है, प्रैक्टिस जमा के बैठा। वो कहावत है ना, रुपया ही मिट्टी और मिट्टी रुपया। तेरे लिए तो रुपया ही मरीज और मरीज ही रुपया। बोल। ठीक ही कह रहा है, मैं तो सिर्फ एक पैसे बनाने वाली मशीन बन गया हूं, अ मनी मेकिंग मशीन। खैर, तूने तो कुछ कर दिखाया। कुछ कर दिखाया मतलब? तू इसे इतना मामूली क्यों समझ रहा है अरिजीत? एक कैसा रोग जो सदियों से घृणा और अछूत का विषय बना हुआ है, इंसान जिसके पास नहीं जाना चाहता है। घर में भी अगर किसी को हो जाए तो भले कोई भी क्यों ना हो, बाप बेटा बेटी कोई भी क्यों ना हो, उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। कैसा अभिशप्त रोग है, बोल बता, तू ही बता। एक कर्स डिजीज जिसके पास तेरे जैसे डॉक्टर्स भी नहीं जाना चाहते हैं। ट्रीटमेंट की बात तो खैर बहुत दूर की है। और अरिजीत, इस पृथ्वी से मैं इस रोग को जड़ से मिटा दूंगा। इट विल बी इरेडिकेटेड फॉरएवर। सुबह से कॉन्ग्रेचुलेशंस के बहुत से फोन आए होंगे। नहीं सर, हाँ अरिजीत का फोन आया था। हाँ, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, इन्हें कौन कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। आपने अगर टेबलेट बनाई होती ना इज अ क्योर, तो सारे बिजनेसमैन ने पेटेंट लेने के लिए लाइन लगा ली होती। अरे वो स्कूल में पढ़ा था ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बस नहीं, सारी गड़बड़ हो गई। ये रहे मेरे बच्चे सर, दिखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। जरा लेबोरेटरी का हाल तो देखिए, कौन मानेगा यहाँ लेप्रेसी की वैक्सीन इन्वेंट की गई है। आविष्कार सिर्फ एयर कंडीशन लैब या कीमती इंस्ट्रूमेंट्स नहीं करते हैं सीमा, ग्री मैटर्स करते हैं, जो तुम्हारे हस्बैंड के पास है। आप लोग बात करिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ अच्छा, अब तुम अपने काम के बारे में जरा बताओ। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी अलर्ट तो है, देखूं समझ पाता हूं या नहीं।
जर्मनी में डॉक्टर ऑल्टमेंट ने इन 30s आज से 60 साल पहले लेप्रेसी के रोग पर काम किया था। उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया था, उसी पेपर को बेस करके मैंने अपना काम किया है सर। लेकिन इसके बारे में तो तुम पहले कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर। फिर क्या हुआ? डॉक्टर ऑल्टमेंट अपनी रिसर्च को पूरा तो नहीं कर पाए। उन्होंने ये वैक्सीन बनाया एक्सॉन। एक्सिन दिस इज द अनडिटरमिन्ड फैक्टर, इसी वजह से उन्होंने इसका नाम रखा एक्सॉन। ब्राउन माउस में लेप्रेसी के बैसिली इंजेक्ट करने के बाद भी वो ये रोग पैदा नहीं कर पाए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई सर, एक्सॉन इंजेक्टेड माउस के कुछ एक बच्चों में ये रोग पैदा हो गया। फैसिनेटिंग। लेकिन हम जानते हैं कि लेप्रेसी पैदाइशी बीमारी नहीं है, इट इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज। ऑफ कोर्स। इसका मतलब है कि एक्सॉन ने ही ये काम किया था। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ऑल्टमेंट अपनी रिसर्च आगे नहीं बढ़ा पाए, पकड़ लिए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, नाजी उन्होंने मार डाला। Just because he was a Jew. हाँ, आइंस्टाइन अगर उस वक्त जर्मनी छोड़ा ना होता तो शायद उनके भी यही दशा होती। हाँ श्री दिवंकर। डॉक्टर ऑल्टमेंट के एक्सॉन में मैंने एक हार्मोन मिक्स किया और बैसिली ग्रो करने में कामयाब हो गया। ये देखिए सर। लेकिन इसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स मेरे सामने आए। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक फैक्टर, जिसको लेके कई बार मैंने आपको भी परेशान किया, कई साल मुझे लगे इसे सॉल्व करने में। एनीवे, एक बार बैसिली ग्रो कर लिया तो मुझे एक होस्ट मिल गया, होस्ट। उसके बाद ज्यादा मुश्किल नहीं था, इट वॉज ऑल इजी। किस एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया? जहां तक मैं जानता हूं लेप्रसी के बारे में रिसर्च मंकी इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता। हां सर, वो तो नहीं करते। दरअसल आर्मेडिलो इज द आइडियल एनिमल, लेकिन वो तो अमेरिका में होता है। वैसे हमारे यहां भी एक एनिमल पैंगोलिन है, मगर मुझे कहां से मिल सकता था, इसलिए मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स ब्राउन माइस पर किए हैं। काम करते करते एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरे सामने आया सर, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी रहने पर यानी बांझ स्त्री पर इस वैक्सीन का क्या असर होगा, ये देखने के लिए मैंने इस फीमेल मंकी को, जिसके बच्चा नहीं होता था, ये वैक्सीन इंजेक्ट किया। उसके बच्चा हो गया सर। हाँ, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि ये बच्चा इस हार्मोन की वजह से हुआ। कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन ग्रुप का। ये फील्ड पूरी तरह से ओपन है सर, अगर कोई इस विषय पर काम करे तो गायनाकोलॉजिस्ट को बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन ये साइड इफेक्ट वाली बात, मेरा मतलब स्टेरिलिटी के बारे में अगर प्रेस में फ्लैश नहीं किया होता तो अच्छा था। क्यों सर? दीपंकर का सब्जेक्ट लेप्रेसी है, उसका साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इससे तो आप लोगों की बात अब तक चल रही है, चाय यहीं ले आऊं क्या? नहीं नहीं सीमा, मैं तो चाय पी कर आया हूं, तुम लोग चाय पी लो। दीपंकर, क्या मैं तुम्हारा नोट्स देख सकता हूं? ऑफ कोर्स सर। ये लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां से शुरू होता है। थैंक यू, जाओ तुम चाय पी कर आओ। जा सीमा, में बस यही एक बुराई है, जरूरी काम के वक्त हमेशा डिस्टर्ब करती है। जानते तो हो ही, तुम्हें उम्र भर सताने के लिए ही मैं पैदा हुई हूँ। अभी अभी आई है, गवर्नमेंट की है। देखिए शायद गवर्नमेंट ने कंग्रेचुलेट किया हो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में लेप्रसी। क्या हुआ? हेल्थ सेक्रेटरी का खत है, 10 बजे मिलने के लिए बुलाया है। गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखिए सर, हेल्थ सेक्रेटरी का खत आया है, आज ही 10 बजे मिलने के लिए बुलाया उसे। मिलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो। पर सर इसमें लिखा है टू एक्सप्लेन सर्टन मैटर्स। क्या लिखा है? टू एक्सप्लेन सर्टन मैटर्स, मतलब क्या निकलता है इसका? मतलब यह है कि जल्द से जल्द अपने पेपर रेडी करो, उसकी खास जरूरत है। पेपर्स तैयार करने का तो वक्त ही नहीं मिला सर, 10 साल तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में बीत गए। अब बिना वक्त बर्बाद किए पेपर जल्द रेडी करो।
हमारे इस देश में बहुत कुछ बीतते रहता है। और सुनो, जब तुम रेडी हो लो मैं तुम्हारे कुछ नोट्स कॉपी करके ले जाऊंगा, करीब 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। अरे जीत, सॉरी फॉर द इंट्रूजन। अरे रामानंद आओ, क्या हालचाल है? आज का अखबार देखा? दीपंकर राय की खबर पढ़ी? लेप्रसी का डॉक्टर? एक मिनट सुदर्शन, जब मैं कहूं तभी पेशेंट भेजना। हाँ अखबार पढ़ा था। तुम यकीन करते हो? एब्सोल्यूट ब्लफ। तुम्हें लगता है कि ब्लफ है? शेयर ब्लफ। तुम नहीं जानते हो दीपंकर को, लाइट माइंडेड एक पागल, उम्र भर कुछ नहीं कर सका, अब सेंसेशन चाहिए। मेडिकल साइंस में ब्लफ नहीं चलता रामानंद। अगर वो ब्लफ कर रहा है तो जरूर पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो खुद ब खुद फंस जाएगा। पकड़ा भी जाएगा और दांत चमका कर हंसेगा भी। हम दोनों स्कूल से लेकर मेडिकल तक एक ही साथ पढ़े हैं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो किसी और ही मिट्टी का बना है। वो तुम्हारा क्लासमेट था, शायद इसीलिए तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई सेंटिमेंट नहीं। इतना ही ब्रिलियंट हो तो एक ऑर्डिनरी MBBS होकर क्यों रह गया? हाँ, मेरी तुम्हारी तरह कोई हायर डिग्री भी हासिल नहीं कर सका। जानते हो वो गाना गाता है? हाँ, वो भी हारमोनियम बजाकर। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? आइंस्टाइन के पास वायलन था, सत्येन बोस इसराज बजाते थे, डॉक्टर होमी भाभा पेंटिंग करते थे। क्या कह रहे हो तुम? उसकी तुलना आइंस्टाइन, सत्येन बोस, डॉक्टर भाभा जैसे साइंटिस्ट के साथ कर रहे हो? कैन देयर बी एनी कंपैरिजन? डैम इट रामानंद, तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो हमेशा से ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी रहा है, उसमें एक जबरदस्त डिटर्मिनेशन है। मैं उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता, इवन इट इज थियोरेटिकली इम्पॉसिबल। ओके ओके, वो लेप्रसी एप्रसी लेकर वो जो भी दिल में आए करे, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन किस अधिकार से उसने हम गायनोकोलॉजिस्ट के मामले में इंट्रूड किया? तुमने पढ़ा है उसके वैक्सीन से स्टेरिलिटी दूर होगी, वहां जो औरतों को बच्चे होंगे। हाँ पढ़ा था, लेकिन इस मामले में वो डेफिनेट नहीं है। उसने तो कहा ही है कि ये साइड इफेक्ट है। डेफिनेट अगर नहीं था तो अखबार में पब्लिसिटी क्यों करवाई? पेशेंट को जवाब देते देते हमारी जान निकली जा रही है। अंकल चैन, एथिस का कोई ज्ञान नहीं, समझा है कि हम चुपचाप रहकर सब सह लेंगे। मगर रामानंद, उसका असली काम तो लेप्रसी का वैक्सीन है। अरे छोड़ो भी, इतना आसान नहीं। अगर लेप्रसी वैक्सीन की पॉसिबिलिटी होती तो इंग्लैंड अमेरिका में बहुत पहले ही बन चुकी होती। लेप्रसी हमारी दौड़ तो केवल काला रक्त की है, वो भी UN ब्रह्मचारी की बदौलत। अरे जीत, हमें तुम्हारी जरूरत है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मैं चलता हूं। सुदर्शन, पेशेंस भेजो। आइए डॉक्टर राय। क्या बात क्या है? आपने चिट्ठी भेजी है मुझे टू एक्सप्लेन सर्टन मैटर्स। व्हाट डू यू मीन टू एक्सप्लेन सर्टन मैटर्स? मैंने अस्पताल से कोई दवाई चुराई है, किसी पेशेंट की तरफ नेग्लिजेंस बरती है, या फिर गवर्नमेंट के किसी डॉक्यूमेंट को एक्सपोज कर दिया है? व्हाट इज इट? आप बैठिए तो सही डॉक्टर राय, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? प्लीज बैठिए। जो भी कहना जल्दी से कहिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, मैं इंग्लिश लिटरेचर का एक स्टूडेंट था, आपकी वैक्सीन के बारे में कोई कमेंट करना अनसिविलाइज होगी। मैं अपनी लिमिटेशन जानता हूं डॉक्टर रॉय, लेकिन यहां मैं एक ऑफिसर हूं, सरकार ने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी है, मेरा काम कोऑर्डिनेट करना है। आप सरकारी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, मेरी तरह एक गवर्नमेंट ऑफिसर, जिनका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। ऐसे कुछ काम है जिन्हें हम गवर्नमेंट परमिशन के बिना नहीं कर सकते, जैसे कि प्रेस में कोई स्टेटमेंट देना। इसका मतलब है सिर्फ अखबार में स्टेटमेंट देने की वजह से 10 साल का मेरा काम बर्बाद हो जाएगा? वो क्यों होगा, आपने तो एक अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इस तरह का काम होने पर गवर्नमेंट शुड बी प्राउड ऑफ यू। आप हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर खस्तगीर से मिल लीजिए, उन्हें अपना मामला जाकर समझाइए। वो एक अनुभवी डॉक्टर है, उनके पास कई फॉरेन डिग्रियां भी है, वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। आप लोगों ने ही तो ब्यूरोक्रेट्स के बदले टेक्नोक्रेट्स चाहा था। डॉक्टर रॉय को डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के पास ले जाओ। ओके
किसकी परमिशन से तुमने गवर्नमेंट लेबोरेटरी में पर्सनली सर्च की? मैं पूछ रहा हूं किसकी परमिशन से तुमने गवर्नमेंट लेबोरेटरी में पर्सनल रिसर्च की? मैंने गवर्नमेंट लेबोरेटरी में रिसर्च नहीं की है। मेरे घर में एक छोटा सा कमरा है, वहीं लेबोरेटरी बनाई है, वहीं काम किया है। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने प्राइवेट लेबोरेटरी में मेरी कुछ मदद की। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, मैं तुम्हें गाइड करता। अरे वही तो, वो जर्मन साइंटिस्ट, क्या नाम है उसका, ऑल्टमैन। तुमने ऑल्टमैन के पेपर के आधार पर ही अपना काम किया है ना? डॉक्टर ऑल्टमैन जर्मन नहीं, ऑस्ट्रियन ज्यू थे। हाँ हाँ, वही हुआ, वही की बात है। फर्क ही क्या है? जर्मनी और ऑस्ट्रिया ऐसे ही है जैसे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जानते हो, तुम्हारे क्लेम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। साइंस में विश्वास या अविश्वास का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रमाण चाहिए, अटूट प्रमाण, प्रूफ। एक बार मेरे पेपर्स रेडी हो जाने दीजिए, आपको संशय की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, आई एम श्योर। कितने दिन लग जाएंगे तुम्हें पेपर्स तैयार करने में? 3 महीने तो लग जाएंगे। 3 महीने? दो जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि तुम्हारे क्लेम का समाचार एक होक्स है, अ बिग होक्स, एक पागल की बकवास। एक चाय ले आओ। लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट का मेरी रिसर्च से क्या मतलब है? क्या मतलब? तुमने कहा है कि तुमने एक वैक्सीन बनाई है जिसे तुम सिर्फ स्त्रियों को देना चाहते हो। देखिए, स्त्रियां कोई गायनेकोलॉजिस्ट की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं होती हैं। लेकिन मुसीबत तो हमें ही झेलनी होती है ना। अगर बाद में कोई रिएक्शन हो गया तो कौन होगा जिम्मेदार? तुम? इंसान के जिस्म पर एक्सपेरिमेंट करने की बात तो अभी बहुत दूर की है, अभी तो बहुत काम बाकी है। अच्छा, इसके अलावा औरतों को पॉक्स के, हैजा के इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं? वो भी तो एक स्वस्थ शरीर में पॉइजन भरने जैसा ही है ना। ये क्या पागलों की तरह बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? लेप्रेसी एक घृणित रोग है, सारा समाज इससे घृणा करता है। समाज इसलिए इससे घृणा करता है क्योंकि इस रोग का इलाज नहीं है। अगर ये फ्लू या इन्फ्लुएंजा की तरह होता जो जल्दी ठीक हो जाता है, तो लोग इसे घृणा नहीं करते। ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल लीजिए, इसे राजरोग कहा जाता था। जिसके घर में होता था कोई उसके घर में पांव तक रखने को तैयार नहीं था। आज टीबी से कोई परेशान है? यू बेटर डोंट ट्राई टू टीच मी साइंस। पर आप अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं। अनसाइंटिफिक? यस, यू आर ब्लडी टॉकिंग लाइक अ लेमैन। हू मेड यू द डायरेक्टर? मैं कहता हूं कि मेरा वैक्सीन लेप्रेसी को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा देगा। आई मीन लाइक प्लेग, पोलियो, टेटनस, पॉक्स। यस, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे इंसल्ट किया है, मेरे काम को इंसल्ट किया है। हमारे देश में हर आदमी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर घड़ी अपमानित हो रहा है। आप उन मूर्खों की वजह से अपने काम को नुकसान तो नहीं करेंगे? मैं तंग आ चुका हूं। जब मैंने रिसर्च शुरू की थी तो अपनी रीढ़ की हड्डी को स्टील से मर लिया था, स्टील से। किसी की परवाह नहीं की मैंने, यहां तक कि सीमा की भी नहीं। जो लोग साइंस का एस तक नहीं जानते हैं, जब वो लोग दखलंदाजी करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। 2 गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रामानंद चटर्जी और डॉक्टर सुशांत मल्लिक। यही नहीं है, इनके पीछे पूरा एक ग्रुप भी है। लेकिन क्यों, इन्होंने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया, चुपचाप अपने काम में लगे रहे। नहीं, दादा ने ये जो कहा है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से औरतों की स्टेरिलिटी दूर हो जाएगी। क्या बेकार की बात कर रहे हो, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था, एक पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ये सब मेरी गलती है, इट वॉज माई मिस्टेक। मैंने सोचा था ये खबर लंदन जाएगी, अमेरिका जाएगी, फिर आखिर में घूम घाम कर यहां आएगी। मैं क्यों ना अपने लोगों को पहले ही बता दूं? मुझे क्या मालूम था कि अपने लोग पहली छुरी चला देंगे। किस पर छुरी चलाएंगे, ज्यादा मुझ पर?
साइंस पर तो नहीं चला सकते ना। एक साइंटिस्ट मरेगा तो उसकी जगह पर बैठकर दूसरा साइंटिस्ट काम करेगा, काम तो चलता रहेगा। दुख की बात यह है कि इन बदमाशों के नाम इतिहास याद नहीं रखेगा और युग युग तक इसी तरह सबका नुकसान करते हुए अपने आप को बचाकर पार हो जाएंगे। आई थिंक वी शुड अनमास्क देम। मगर सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, उत्साह देने वाले भी बहुत हैं। हमारे कलकत्ते में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन वो पहले अच्छे इंसान हैं, बाद में बड़े डॉक्टर। ये तुम्हें हुआ क्या है बताओ तो? ये हर वक्त मुंह फुलाए क्या सोचते रहते हो? कुछ भी तो नहीं। जब से दीपांकर भैया की खबर छपी है तुम्हें ना जाने क्या हो गया है। तुम तो जानती हो कि मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता और ना ही किसी बात या इशू को लेकर शोरगुल मचा सकता हूं। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है? हेलो श्यामली, क्या हुआ? क्या सच? अच्छा सुन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूं। जानते हैं दीपू भैया की खबर बीबीसी में फ्लैश हुई है। क्या कहा? बीबीसी? हाँ, तुमने ठीक सुना। अरे अभी श्यामली ने बताया। तब तो तुम्हारे दीपू भैया अब एक इंटरनेशनल फिगर बन गए। क्या हुआ माँ? अरे तेरे दीपू काका की खबर बीबीसी में फ्लैश हुई है। सच? उन्हें फोन करो। हाँ चल, मैं भी बात करती हूँ। हेलो काकी माँ, अपने खबर सुनी? अंजना, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आज बीबीसी ने दीपू काका की न्यूज को फ्लैश किया है। बीबीसी? काकी माँ। हेलो काकी माँ, सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ, बोल। काकी माँ, दीपू काका कहाँ है? ठहर, बुलाती हूँ। सुनो, सुनते हो? जल्दी आओ ना। क्या बात है? अंजना का फोन है, कह रही तुम्हारी न्यूज बीबीसी से ब्रॉडकास्ट हुई है, जल्दी करो ना। हाँ हमारी छोटी रानी माँ, ये क्या आलतू फालतू खबरें सुना रही हो? आलतू फालतू नहीं, बिल्कुल सच। मेरी चॉकलेट कहाँ है? बेटिया, अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि टेलीफोन के जरिए तुम्हारी चॉकलेट भेज दूँ। कम से कम मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ये तो एक फिजिसिस्ट का काम है ना। मैं तुम्हें एक डब्बा चॉकलेट दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं रोज एक एक करके खा लिया करूंगा। लो माँ से बात कर लो। अच्छा भाभी, बाप रे बाप, एक बार भी आ नहीं सकते? अरे बाप रे बाप, आप यहाँ एक बार भी नहीं आ सकती? बीबीसी की खबर सुनकर तो अभी आने को मन कर रहा है। तो आ जाइए ना, पर हाँ एक बात सोच लीजिए। 3 महीने पहले मेरी मौसी आई थी, बहुत डांट कर गई। कहने लगी पहले से बता दिया होता कि इतनी खराब बीमारी पर काम कर रहे हो तो कम से कम बच्चों को साथ ना लेके आती। अच्छा साहब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अब तो आप एक इंटरनेशनल फिगर हो गए। अच्छा, एकदम इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया। वैसे भाभी ओरिजीत एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, पर एक सीक्रेट बताऊं, उसकी खोपड़ी में कुछ नहीं है। कह दो। नहीं नहीं नहीं, मत कहना। अरे इस उम्र में पिटना नहीं चाहता उससे, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई ना करने की वजह से बहुत मार खाई है मैंने उससे। मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। जानते हैं सब मुझे आपके बारे में पूछते हैं,
और मैं इतना ही कहती हूँ कि आप मेरे एक पागल भाई हैं। कभी आइए ना, जितना जल्दी हो। आऊंगा। साहब, आपका फोन है। हेलो, डॉक्टर रामानंद चैटर्जी। हाँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर खास्तगीर। नमस्कार सर। अरे भाई, उस पागल को तो संभालो। किसे? अरे वही डॉक्टर दीपंकर रॉय। क्या सब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। उस दिन ऑफिस में बुलवाया तो आकर ऐसी लंबी चौड़ी बातें करने लगा जैसे कि हम सब अनपढ़ हैं, डॉक्टर के विषय में कुछ जानते ही नहीं, घास छीलते हैं। वो तो आप ही के गवर्नमेंट का आदमी है। हाँ, वो तो है ही, और इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक जो स्टेप्स लेने हैं वो हम ले ही रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रामानंद, आप लोगों को भी साथ देना चाहिए। अच्छा, सुनते हैं कलकत्ते के कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उसकी तरफ है। आप तो जानते ही है, आपस में हमारा ना कोई मेल ना यूनिटी, कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन में जेलसी रहती है। लेकिन मैं आपकी राय से सहमत हूं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके। सुना है बीबीसी ने डॉक्टर दीपंकर रॉय की गवेषणा की खबर ब्रॉडकास्ट कर दी है, लेकिन जब तक विदेश से रिकॉग्निशन नहीं मिल जाती हमारा विश्वास दूर नहीं होगा। आप इतने बड़े गायनेकोलॉजिस्ट होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? जी, करता हूं। आप हंस सकते हैं, मैं डॉक्टर दीपंकर रॉय को नहीं पहचानता और न ही कभी उनसे मिला हूं, पर सुना है कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बस इतने से आपने यकीन कर लिया? आप लोगों का भी जवाब नहीं। मैं कहता हूं कि ये स्टंट है, स्टंट। सिर्फ प्रमोशन के लिए अपना रास्ता बना रहा है। ये किसी एक रोग का वैक्सीन है, इससे भला औरतों की स्टेरिलिटी कैसे दूर होगी? चिकन पॉक्स रोग के साथ औरतों का संबंध है, वो कैसे? कैसा संबंध? प्यूबर्टी अटेन करने के बाद चिकन पॉक्स होने से कई औरतें अंधी हो जाती हैं, और प्रेगनेंसी में जर्मन मिजल्स होने पर बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। ये और बात है, दरअसल औरतों के जिस्म ही कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि... मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं डॉक्टर रामानंद चटर्जी, मुझे गायनेकोलॉजी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। फ्रॉड, डॉक्टर दीपंकर राय इज ए फ्रॉड। मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि मामले की तह तक गए बिना किसी पर बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। हम तुम्हारे नोट्स देखे थे दीपंकर, इफेक्ट ऑफ गोनाडोट्रोपिन ऑन एक्सोन, सो इंटरेस्टिंग। सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, एक मौलिक काम, एन ओरिजिनल वर्क। तुम्हारे नोट्स के एक कॉपी मैं तुम्हारे नाम से जॉन एंडरसन फाउंडेशन को भेज दिया। कब भेजी आपने? आज ही सुबह, जब देखा कि तुम्हारे साथ ये गोलमाल शुरू हो गया तो पहले ही भेज देना ठीक समझा। ये आपने बहुत अच्छा किया सर, मैं भी ऐसे ही कुछ करने की सोच रहा था, लेकिन मेरी बात तो सुनता कौन? राजा का लड़का होने से ही राजा नहीं बन सकता है दीपंकर, क्रेडिबिलिटी की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा दीपंकर, इंसान पर एक्सपेरिमेंट के बारे में तुमने क्या सोचा है? सर, इंसान पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले तो मुझे टॉक्सिक फैक्टर को पूरी तरह से रिमूव करना होगा। वैसे परमिशन भी लेनी पड़ेगी। परमिशन किसकी, क्यों? गवर्नमेंट की सर। गवर्नमेंट की? जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा ये जिस्म तो किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो मेरा ये शरीर हाजिर है, संकोच ना करना। सर, ये वैक्सीन कुष्ठ रोग का है। जानता हूं बाबा, जानता हूं, इन्फ्लुएंजा नहीं, लेप्रसी। मेरा ये जिस्म भी तो जीर्ण हो चुका है, अगर ये बूढ़े का शरीर विज्ञान के काम में आता तो मुझे बहुत खुशी होती। तुम शायद नहीं जानते हो कि प्रोफेसर J.B.S. हैल्डन ने इस कलकत्ते में एक डॉक्टर सनियाल को
कैंसर के एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी शरीर दान कर दिया था। आपकी बात याद रहेगी सर, आखिरी सांस तक याद रहेगी सर। दादा, आपकी वजह से डॉक्टर कुंडू जैसे इतने महान आदमी से मिलने का मौका मिला है। अच्छा, तो उन्हें पहले से नहीं जानते थे? जानता था कि वो एक बड़े साइंटिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कुछ किया है, विदेशों में भी काफी नाम है उनका, लेकिन इंसान के रूप में भी वो इतने बड़े हैं ये नहीं जानता था। नमस्कार डॉक्टर राय, आपकी वो बात सही है ना? कौन सी बात? वही वैक्सीन वाली बात, लेकिन बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए, रोगी और डॉक्टर में विश्वास का रिश्ता होता है, और डॉक्टर और दवाइयों की कंपनी का रिश्ता भी विश्वास का होता है। और दवाई साइंस है, जिसमें विश्वास या अविश्वास का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ मैं अरे इस कॉल बेल को डिस्कनेक्ट नहीं करवा सकती। नमस्कार। नमस्ते। हम लोग सब डॉक्टर हैं, अभी हाल ही में हमने डॉक्टरी पास की है और इसी सिलसिले में डॉक्टर राय से मिलना चाहते थे। हाँ, लेकिन वो तो अपने काम में व्यस्त हैं। हम लोग उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ी देर बात करेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, आइए बैठे, मैं बुलाती हूँ। कुछ जूनियर डॉक्टर्स मिलने आए हैं। सब अमूल्य की वजह से हुआ है, पब्लिसिटी। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? नमस्कार डॉक्टर। हाँ कहिए डॉक्टर राय, हम लोग आपका एक लेक्चर अरेंज कर रहे हैं। देखिए लेक्चर तो मैं देता नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आपके वैक्सीन के बारे में था, दरअसल सिलसिले में कुछ जानते नहीं थे और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इससे हमें काफी फायदा भी होगा। अच्छा, मेरी वैक्सीन के बारे में। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपको तो लगता है मैंने देखा है पहले भी। जी हाँ, डॉक्टर कुंडू के लैब में। हाँ हाँ, आप ही कह रहे थे ना कि लोगों को मेरे वैक्सीन पर विश्वास नहीं है। सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, आई शुड बी सॉरी, आई वाज रादर रूड टू यू द अदर डे। ठीक, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कहाँ किस वक्त पहुंचना है, मैं आ जाऊंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। एक कप चाय पियोगे? ठीक है, बना लो। अच्छा सुनो, मैं भी तो टाइपिंग में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जी नहीं, ये कोई ऑफिस की टाइपिंग नहीं है कि मैं बाबू की तरह बोलता रहूं और आप धर धर करके स्टेनो की तरह टाइपिंग करती रहें। अच्छा, तुम बेकार की चीजों में टाइम क्यों वेस्ट करती हो, जाके चाय बनाओ ना। ये दरवाजा खुला छोड़ो और किस बात पर लड़ाई चल रही है? अब तो कंप्लीट ही हो जाएगा मेरा काम। अच्छा, अखबार पढ़ा आपने? मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। आज तो मैंने भी नहीं पढ़ा, क्यों? तो पढ़िए। डॉक्टर दीपांकर राय के आविष्कार के विरुद्ध समालोचना। लाइए मुझे दीजिए, मैं पढ़ता हूं। डॉक्टर रामानंद चटर्जी और डॉक्टर सुशांत मल्लिक ने डॉक्टर दीपांकर राय की आविष्कृत वैक्सीन की तीव्र समालोचना की है। उनके विचार से मनुष्य के शरीर पर प्रयोग किए बिना ऐसी सफलता की कल्पना करना हास्यास्पद एवं मजाक है। डॉक्टर रामानंद चटर्जी का कहना। भाड़ में जाइए रामानंद, इडियट ऑफ अ मैन। मुझे नहीं जाना किसी सेमिनार में लेक्चर देने। अरे, इसको उस लेक्चर से क्या संबंध? किस लेक्चर की बात कर रहे हैं? कुछ जूनियर डॉक्टर्स इनके वैक्सीन के बारे में लेक्चर देने का इनविटेशन दे गए हैं। तो ये तो अच्छी बात है, लोगों को वैक्सीन के बारे में जानकारी होगी। देखो, तुमने जब वादा कर ही लिया तो लेक्चर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग और उल्टी सीधी बातें करेंगे। करने दो, इडियट्स। अच्छा जाओ, तुम लोग मुझे काम करने दो। अच्छा बताओ, जो लोग आए थे उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो सचमुच तुम्हारे काम के बारे में जानने के लिए ही तुम्हें बुलाया है ना? अच्छा मुझे बताओ, डॉक्टर रामानंद चटर्जी का मेरी वैक्सीन से क्या संबंध है, या किसी भी डॉक्टर का क्या संबंध है? ये वैक्सीन एक्सेप्ट होगी भी या नहीं, इसका फैसला तो इस लाइन के साइंटिस्ट ही करेंगे ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, सेलुलर बायोलॉजिस्ट,
अभी तो इंसान के जिस्म पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, रिएक्शंस देखे जाएंगे, रिजल्ट्स देखे जाएंगे। बहुत लंबा सफर है और ये लोग अभी से मुझे गालियां दे रहे हैं। दादा, ये जो हमारा महान देश है, ये हमारा ही क्यों? दुनिया में कहीं भी जब जब किसी ने नया करने की कोशिश की है, उसे गालियां खानी पड़ी हैं। यह आविष्कार तो मैंने बहुत पहले कर लिया था अमूल्य, टॉक्सिसिटी दूर करने में इतना वक्त लग गया। चला जाऊंगा मैं यहां से, सीमा को मैं साथ लेकर चला जाऊंगा, विदेश, अफ्रीका। वहां भी हमारे देश की तरह लेप्रेसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। काम के लिए सब विदेश भागने लगे तो हमारे देश का क्या होगा? क्या इस देश से कभी कोई अच्छा काम नहीं होगा? मैं देश विदेश को नहीं मानता हूं सीमा, इंसान को मानता हूं। इंसान जो इस यूनिवर्स का हिस्सा है, अ क्रीचर ऑफ दिस यूनिवर्स। एक रोग जिससे इंसान हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, वो किसी का भी वैक्सीन क्यों ना हो, मेरा या दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट का, लेकिन है तो इंसान के लिए। ये अगर हमारे समाज के प्रेशर में रहकर कर सके दादा, तो हमारे आने वाले साइंटिस्ट को बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। और इसीलिए तुम्हारा उस लेक्चर में जाना जरूरी है। दादा चलिए प्लीज, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। लेट्स सी। फ्रेंड्स, मैं यहां किसी बड़ी भूमिका की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट या वुड बी साइंटिस्ट। मेरी रिसर्च का पहला स्टेप है लेप्रेसी के रोग को एनिमल्स में पैदा करना, क्योंकि हम जानते हैं कि इस रोग की सृष्टि होने के बाद ही हम प्रूव कर सकते हैं इस रोग को मिटाया जा सकता है या नहीं। हम लोग आपकी वैक्सीन की कहानी सुनना चाहते हैं। हां, कहानी, वो अजीब कहानी। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लेप्रेसी बहुत छोटी उम्र में, बचपने में अटैक करती है, लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, 15 या 20 साल के बाद पता चलता है कि यह रोग हुआ है या नहीं। हम स्कूल की किताबी बातें सुनने नहीं आए। आई एम टॉकिंग अबाउट लेप्रोमेटस, लेप्रोमेटस की बात कर रहा हूं मैं। लेप्रो बेसिलस कल्चर करने के बाद जब यह वैक्सीन ब्राउन माइस में इंजेक्ट किया गया, तो बिल्ली को क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि शिशु अवस्था में ही लेप्रेसी अटैक करती है, इसलिए मैंने दो तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए, 1 डजन मेल और 1 डजन फीमेल ब्राउन माइस को लेकर। मैंने नोट किया मेरी वैक्सीन को मेल और फीमेल ब्राउन माइस में वैक्सीनेट करने के बाद जब मैंने माइकोबैक्टीरियस लेप्रोबैसिलस के साथ उन्हें इनोकुलेट किया तो लेप्रेसी का रोग उनमें ग्रस्त हो गया, लेकिन वैक्सीनेटेड फीमेल माइस के बच्चों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद इस बैसिलस को मैंने फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस में, इस लोड शेडिंग के जमाने में आपने किस रेफ्रिजरेटर में फ्रीज किया? Who said that? You said that. मुझे लगता है यहां पर साइंस से कनेक्टेड एक भी आदमी नहीं है। यहां पर फ्रीजर का मतलब घर का रेफ्रिजरेटर नहीं, इट मींस लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर। डू यू अंडरस्टैंड? इस लेबर डॉक्टर को बैठने बोलो। डॉक्टर राय, हमें लेप्रोसी से कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? मैं तो लेप्रोसी के वैक्सीन पर ही काम कर रहा था। क्या आप सोचते हैं कि लेप्रोसी जैसे घृणित रोग के कीटाणुओं को हर औरत के जिस्म में सिर्फ इसलिए दिया जाए कि कुछ लोगों को लेप्रोसी होती है? कुछ लोग, डू यू नो द नंबर? 3.5 to 4 million पीपल। सिर्फ हमारे देश में 35 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के शिकार। पक्ष क्यों आप वैक्सीनेट करते हैं? वो भी तो इंसान के जिस्म में आप पॉइजन डालते हैं। डू यू और नॉट? गायनेकोलॉजिकल साइड से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या? आपने क्यों कहा कि इस वैक्सीन के जरिए एक बांझ औरत को गर्भवती बनाया जा सकता है? मैंने सोचा था यह साइंस का सेमिनार है, यह तो सर्कस का एरिना है,
You are a joker. All of you are a bunch of jokers. मुझे सुनने दीजिए, मुझे डॉक्टर राय की बात सुनने दीजिए। अच्छा डॉक्टर राय, आपकी वैक्सीन का गोनाडोट्रोपिन के साथ क्या संबंध है? मैंने इसे एक मीडिया की तरह इस्तेमाल किया है। देखो, मैंने ये कोई क्लेम नहीं किया है कि इससे औरतों की स्टेरिलिटी चली जाएगी, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग इन साइंस। आपको गोनाडोट्रोपिन मिली कहां से? उसे तो इंपोर्ट करना पड़ता है। आपका इंपोर्ट लाइसेंस दिखाइए। मैंने इसे इंपोर्ट नहीं किया है, खुद बनाया है, घोड़े के खून से बनाया है। घोड़े के खून से? यू हैव एनी डाउट्स? दादा, आप पसीने पूरे भीग रहे हैं, कि तबीयत ठीक नहीं है? सीने में दर्द हो रहा है। क्या कह रहे हैं? चलिए पहले हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, सीमा के पास जाऊंगा। दादा, ये हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। हॉस्पिटल चलते हैं, मैं सीमा भाभी को ही ले आऊंगा। नहीं, सीमा के पास जाऊंगा पहले। खिड़की खोल लेता हूं, कुछ फ्रेश एयर मिल जाए। फ्रेशियर आपको कहां मिलेगी दादा? वो तो जाने कहां घूम गई है। आज आपने जो कुछ मीटिंग में देखा वो हमारे समाज का एक रिफ्लेक्शन है। इस समाज में आज हम जी रहे हैं। कुछ लोग आपको मिलकर तोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो बस तोड़ते हैं। कुछ नहीं, जरा थक गया, लेटूंगा। क्या हुआ बताओ? क्या बताऊं भाभी, बहुत बदतमीज लोग थे। गाड़ी में इनकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं इनको हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन जिद करने लगे पहले आपके पास आएंगे। मैं ले आया। सारा कसूर मेरे ही है, ये तो मीटिंग में जाने ही नहीं चाहते थे, मैंने ही मजबूर किया। अच्छा किया। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी छोटी सी लेबोरेटरी में गुजार दी। बाहर दुनिया भी है, ये आज पता चला। तुम इनके पास बैठो, मैं रजिता को फोन करके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, और अजीत को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है मुझे क्या हुआ है। अमोल, जाओ तुम। तुम प्रेस के आदमी हो, तुम्हें तो मीटिंग कवर करनी होगी। मैं मीटिंग कवर करता हूं दादा, मैं सेमिनार कवर करता हूं, लेकिन गंदी गुंडागर्दी कवर नहीं करता हूं। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं निष्क्रिय नहीं बैठूंगा। जिन लोगों ने आज आपका अपमान किया है। हैं कौन ये लोग? होते कौन है ये? कौन है ये? वही है जिन्होंने एक दिन डॉक्टर जेसी बोस को जालसाज कहा था, जिन्होंने उन पर लेबोरेटरी से चीज चुराने का इल्जाम लगाया था। दादा, मजे की बात ये देखिए कि हम लोग गैलीलियो का नाटक देखने जाते हैं और तालियां बजा बजाकर हॉल को हिलाकर रख देते हैं। मैं देखता हूं, हमारे प्रिटेंशन से कोई लिमिट नहीं है। हेलो, तुम लोगों ने क्या साइंस को बच्चों को खेल समझ रखा है? ये दीपंकर को लेक्चर देने के लिए किसने कहा है? पहले ही प्रेस, टीवी, रेडियो में एडवांस पब्लिसिटी करके एकदम गड़बड़ कर बैठे हो। अब ये मीटिंग, उससे कह दो कि बिल्कुल चुपचाप बैठकर जल्दी से जल्दी पेपर तैयार करें।
हेलो, मुझे बहुत डर लग रहा है पारो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या कह रही हो? मीटिंग में हंगामा हुआ था? कैसा हंगामा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां अपमान हुआ था इनका। ये तो बीमार ही पड़ गए, कह रहे थे सीने में दर्द भी है। तुम जरा ठहरो। हाँ, सुनो, दीपांकर भैया की तबीयत ठीक नहीं है। मीटिंग में लेक्चर देने गए थे, वहां लोगों ने इंसल्ट की है, कह रहे सीने में दर्द है। हेलो सीमा, क्या उसे पसीना आ रहा है? जी, जब घर आए थे तो पसीना भी था। घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूं, ईसीजी वहीं ले लूंगा। अरे अजीत, अरे तुझे फोन तक आने के लिए किसने कहा इडियट? जा जाके सो जा, मैं अभी आया। अरे नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। मुझे मालूम था मुसीबत में सीमा तुम लोगों के अलावा किससे कहेगी। चिंता की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। भाभी से भी कह देना परेशान ना हो। क्या मना कर रहे हैं? मैं जानती थी। तुम तो एक डॉक्टर हो, है ना? अचानक ये सवाल। और मैं समझती हूं कि डॉक्टर का भी एक धर्म होता होगा। सो तो है, और उस धर्म का पालन मैं भी करता हूं। ना, नहीं करते। तुम सब मिलकर दीपू भैया के पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझसे नहीं छिपा सकते। तुम भी उनके गुट में हो। रामानंद बार बार तुम्हें फोन क्यों करता है? हर वक्त दीपू भैया के बारे में पूछता रहता है। अखबार में उनके बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें छापी जाती हैं, लेकिन तुमने तो एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं किया। छे, अंत में उसी दोस्त को लेकर जिसके साथ तुम बचपन से पले बड़े हो और जो तुम्हें जी जान से ज्यादा चाहता है। इसमें पर्सनल रिलेशनशिप या दोस्ती का सवाल ही नहीं उठता। एक गायनोकोलॉजिस्ट होने के नाते रामानंद को प्रतिवाद करने का पूरा पूरा हक है। कलकत्ते में उससे भी बड़े बड़े गायनोकोलॉजिस्ट है, वो तो इस संबंध में कुछ नहीं कहते। उसे इतनी मुखियागिरी करने की क्या जरूरत है? और वो तुम्हें क्यों अपने साथ घसीटता है? अगर तुम चाहो तो उसे फौरन रोक सकते हो। मैं कौन होता हूं? वो मेरी बात क्यों मानने लगे? कतराओ मत, समझे? कलकत्ते का हर डॉक्टर तुम्हारी इज्जत करता है। एक पूरा अस्पताल तुम्हारे अंडर में है, सारी नर्सिंग होम तुम्हारी सिफारिश करते हैं और गवर्नमेंट में तुम्हारा सारा मेडिकल साइंस मेरी जेब में तो नहीं। मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन दीपांकर एक साइंटिस्ट है। एक साइंटिफिक इन्वेंशन कोई बच्चों का खेल तो नहीं? इस सिलसिले में कई आंधियां चलेंगी, डिबेट्स होंगी, सेमिनार्स होंगे, बहस होगी, लोग सबूत मांगेंगे और दीपांकर को वह सबूत देना पड़ेगा। इस सब के बीच तुम, मैं, दीपांकर और हमारे व्यक्तिगत संबंध कोई मायने नहीं रखते। जानते हो अरिजीत, मैंने दीपांकर के काम के पूरी डिटेल्स के साथ एक चिट्ठी जॉन एंडरसन फाउंडेशन को लिखी है। जॉन एंडरसन फाउंडेशन? हाँ, मुझे तो बहुत बहुत उम्मीद है। बहुत दिनों बाद साइंस का एक ओरिजिनल काम, शायद एक मेजर ब्रेक थ्रू भारतवर्ष में हो सकता है। सर, यस, ठीक है, आज ही भेज दो, वेरी अर्जेंट, पियोन से हैंड डिलीवरी करवा देना। ठीक है सर। गवर्नमेंट की चिट्ठी है, यहां साइन कर दीजिए।
मेरा ट्रांसफर एक गांव के अस्पताल में कर दिया। अब मैं क्या करूंगा सीमा? मेरे तो पेपर्स भी तैयार नहीं हैं। बहुत काम बाकी है। कलकत्ते में नहीं रहूंगा तो पेपर्स कैसे तैयार करूंगा? बैठिए, ये रिपोर्ट। डॉक्टर दीपांकर राय का ट्रांसफर एक गांव में कर दिया गया है। इसका मतलब है एक वैज्ञानिक को उसके रिसर्च वर्क से हमेशा के लिए वंचित करना। यह खबर हम अखबार में नहीं छाप सकते। क्यों? दीपांकर राय को न्यूटन या आइंस्टाइन नहीं है जिसके लिए इतना सरका पाया जाए। न्यूटन और आइंस्टाइन के अलावा भी पृथ्वी पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है। और बात यह नहीं है, बात दरअसल यह है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जानबूझकर दीपांकर राय के पीछे पड़े हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यह विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। पहले साबित तो होने दीजिए कि वो एक साइंटिस्ट है। उनको साबित करने का मौका तो दिया जाए। गवर्नमेंट अपने सारे विज्ञापन बंद कर देगी, इसका ख्याल है आपको? आपकी इस रिपोर्ट के चलते हम विज्ञापन बंद नहीं कर सकते। अखबार विज्ञापन पर चलता है, वैज्ञानिक पर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अखबार एडवर्टाइजमेंट के बिना नहीं चलता, लेकिन मैं चलता हूं। कलकत्ते से सिर्फ 4 या 5 घंटे की ही तो दूरी है। मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। तुम मेरे साथ नहीं आ रही? देखो, एक बार मकान छोड़ दिया ना तो दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर तुम कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो, जब वापस लौटोगे तब। और फिर तुम्हारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? मैं किसी स्कूल वगैरह में नौकरी कर लूंगी, नहीं तो दोनों एस्टेब्लिशमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतने सारे रोगियों को मुझे अकेले ही देखना पड़ेगा? अभी तो आना सिर्फ शुरू ही हुआ है, दिन बढ़ने के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती जाएगी। जॉन एंडरसन फाउंडेशन लंदन, डॉक्टर दीपांकर रॉय केयर ऑफ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। John Anderson Foundation. Dear Dr. Roy, we are so happy to learn by a letter of Dr. Kundu about your valuable work on leprosy. We are very much interested to know about your findings. John Anderson. Thank you. John Anderson Foundation. Foundation.
डॉक्टर साहब आपका खाना अभी खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ रख तो खा लूंगा। बहुत रात हो चुकी है डॉक्टर साहब, पहले खा तो लीजिए। हाँ खा लूंगा, देख रहे हो काम कर रहा हूँ मैं, रख दो। ठीक है, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लीजिए, इतनी रात गए यहाँ कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ता, चोर डाकू भड़े पड़े हैं। कब आई तुम? सीधे स्टेशन से चली आ रही हूं। कल ही वापस तो नहीं चली जाओगी? वापस नहीं गई तो तुम्हारे लेबोरेटरी एनिमल्स की देखभाल कौन करेगा? उन्हें तकलीफ नहीं होगी? वो तो किसी काम नहीं आए। आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। तुम्हें यकीन है? पूरा। मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूं, पेपर्स भी रेडी नहीं हुए। मिस करता हूं तुम्हें। अरे ये क्या हो रहा है? देखो ऐसे नहीं करते, ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के वापस कैसे जाऊंगी बताओ? प्लीज ऐसे मत करो। चल चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। क्या देख रहे हो? समंदर। विज्ञान के सवाल समंदर की लहरों की तरह हैं सीमा, एक के बाद एक मन से टकराते हैं। एक बड़े सवाल के बाद एक छोटा सवाल, एक छोटे सवाल के बाद बड़ा। मैं इन सवालों का जवाब दे सकता हूं। हाँ, कम से कम कुछ एक के जवाब तो दे ही सकता हूं। लेकिन लोग बहुत लाचार महसूस करता हूं। बदलेगा, सब बदलेगा एक दिन। जैसा तुम चाहते हो ना वैसे ही होगा, देख लेना। जानते हो मैं रोज यहां आकर बैठता हूं और तारों को देखता रहता हूं। एक अजीब सी फीलिंग होती है,
कैसी मैं बता नहीं सकता। जब आसमान में सितारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें कोई संदेश भेज रहे हों, मैसेज या चैलेंज दे रहे हों, कह रहे हों तुम लोग अपने छोटे से ग्रह में रहकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, वक्त बर्बाद करते रहते हो, हमारी तरफ देखो, हमें समझने की कोशिश करो, इस विश्वलोक के असीम रहस्य को कितना जानते हो, इंसान होने का इतना गुरूर, इतना घमंड, इंसान का दिमाग, इंसान की बुद्धि, इंसान का ज्ञान, कितना कुछ जानता है हमारे बारे में बताओ। कुछ लोग हैं सीमा जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कूद पड़ना चाहते हैं, पर कुछ लोग उन्हें खींचकर पीछे ले आते हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। यहां तो कोई रेफरेंस बुक भी नहीं है सीमा, काम करने में बहुत परेशानी होती है। कौन कौन सी किताबें चाहिए बतला दो, मैं अगले हफ्ते लेती आऊंगी। सिर्फ किताबों से काम थोड़ा ही होगा, और भी बहुत सी चीजें चाहिए। मेरे केमिस्ट दोस्त, कलकत्ता बैक्टेरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर कुंडू, रिसर्च किसी एक आदमी का काम थोड़ा ही है, इट इज अ टीम वर्क। कहाँ चलती है? बहुत काम पड़ा हुआ है, सुबह होने में 4-5 घंटे हैं, कुछ काम कर लेता हूँ, तुम सो जाओ। एक ही दिन के लिए तो आई हूँ, थोड़ी देर मेरे पास ही रहो ना। Excuse me, where could I find Dr. Dibankar Roy? Well, you have found him. Oh, Dr. Roy, good morning. Good morning. I'm so glad to find you at last. You know, I've come all the way from London just to meet you. Really? Am I that important? Of course you are. Oh dear, I'm so sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dr. Emily Barnard from the John Anderson Foundation. Pleased to meet you, Dr. Barnard. But who gave you my address? It's Professor Kundu who gave us your address, and it was he who wrote to us about your work. No, we wrote to your health department saying we would like to interview you, but we received no reply. However, we are not so easily put off, so I came in person. It is indeed very kind of you, Dr. Barnard, my wife. Good morning. Good morning. I think first you need a wash, and then some tea or coffee. That would be very nice, thank you. Come this way, please. My papers are not ready, Dr. Barnard, but these are the synopsis and some of my notes. So you can have a look at them and then we can discuss about it when I come back. I'm afraid I'll have to go to the hospital. Seema will take care of you. Okay, thank you. It's so comprehensive. Sugar? No, thank you. Just milk. Will you try some Indian food with us? Nothing much. Just some fish and vegetables available here.
Please don't take too much trouble. Whatever you'd cook, I'd be glad to take. Now, if you don't mind, I'd like to concentrate on these papers. Yes, certainly. Thank you, Dr. Roy. You have been so kind. I hope I have not taken up too much of your precious time. On the contrary, Dr. Bernard, I've been further educated by your visit. Thank you very much. Singham will help you to reach Calcutta. Well, please don't bother. I'm used to traveling alone. Oh, I have to board the same train anyway. Since I work in Calcutta, I come here only on the weekends. All right. Well then, thank you once again. चलो भी, सीमा बहुत देर से इंतजार कर रही है। तुम लोगों की बातचीत खत्म हो गई? वो मुझसे गप मारने नहीं आई, तुमसे मिलने आई है। कैसी हो सीमा? दीपू कैसा है? अरे जीता, इनका ट्रांसफर क्या वापस कलकत्ते में नहीं हो सकता? बात क्या है जानती हो सीमा? दीपांकर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, जरा सी बात में उसे गुस्सा आ जाता है। गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठकर उसने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ को जो जी में आया कहा, उसकी बेइज्जती की। ऑफिशियल्स उससे बहुत चिढ़े हुए हैं। माना कि वो ब्रिलियंट है, लेकिन साथ साथ थोड़ी नम्रता भी तो होनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप अगर एक बार भी उन्हें अपनी आंखों से देख सकते। गांव में पड़े हैं अकेले, वहां भी रात पर जाकर पेपर्स तैयार करने में लगे। कभी कभी तो सीने में दर्द उठता है, सारा शरीर पसीने से भीग जाता है। मेरे पति होने के बावजूद मुझे उन्हें अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखना पड़ता है। इतना टैलेंटेड आदमी, उसका चाहे कितना ही दोष क्यों ना हो, ऐसे ही खोकर रह जाएगा। उसको एक मौका भी नहीं मिलेगा। जानते हैं, जॉन एंडरसन फाउंडेशन से डॉक्टर एमिली बर्नार्ड उन्हें गांव में मिलने गई थी, लेकिन उनके पेपर्स तैयार ही नहीं हो पाए। सीमा, शांत हो जाओ सीमा, प्लीज। आओ परोमिता, हम दोनों जाके सीमा को घर छोड़ाते हैं। अब क्या जरूरत है, वो खुद चली जाएगी। डॉक्टर बर्नार्ड ने यह चिट्ठी हेल्थ डिपार्टमेंट में देने को कहा है। मैं किसके हाथ भेजती? आपके अलावा मेरा और है ही कौन दादा? इसके पहले भी उन लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अरिजीत, अरे आओ आओ, बहुत दिनों के बाद मिले, बैठो, बोलो क्या हालचाल है। एक
सिफारिश लेके आया था। सिफारिश मेरे पास? जानते हो मेरे रिटायरमेंट को सिर्फ 2 साल रह गए हैं, उसके बाद मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा धरना देने के लिए। क्यों? ताकि तुम लोगों की सिफारिश पर कुछ पेशेंट्स मिल जाए, वरना खाऊंगा क्या। लेट्स कम टू बिजनेस। मेरे ख्याल से दीपोनकर को वापस कैलकटा ट्रांसफर कर लेना ठीक रहेगा। क्यों? हम सबकी भलाई के लिए। मैं सोचता हूं उसे पेपर्स तैयार करने का मौका दिया जाना उचित रहेगा। अगर वो चाहे तो गांव में रहकर भी अपने पेपर्स तैयार कर सकता है, गांव के शांत वातावरण में। अपने काम को पूरा करने के लिए उसका कलकत्ते में रहना जरूरी है, यह आप भी जानते हैं और मैं भी। उसे बुलवा लीजिए, नहीं तो आपकी भी कुर्सी हिल जाएगी। उसने मिनिस्टर से कंप्लेन की है क्या? नहीं। ऑपरेशन हिलजर को पकड़ा है, असेंबली में सवाल उठाकर एक तूफान मचाना चाहता है? नहीं नहीं, ये सब बात नहीं। जॉन एंडरसन फाउंडेशन ने दीपांकर को इनवाइट किया है। उन्होंने पहले भी एक चिट्ठी भेजी थी जो लगता है यहीं कहीं मिसप्लेस हुई है। यहीं आपके हजारों फाइलों में कहीं दबी पड़ी होगी और उसे ढूंढ निकालना आसान बात नहीं। शायद आप ये नहीं जानते कि यह अंग्रेज लोगों के खून की बात ही कुछ और है। फाउंडेशन की डॉक्टर एमिली बर्नार्ड दीपांकर से खुद गांव में मिलकर आई है। उसने ये चिट्ठी दी। दीपांकर को सारे कागजात के साथ फिर बुलाया है। अब मान लीजिए प्रेस इस इशू को छापती है तो वाकई असेंबली में सवाल उठ सकता है। एंड देन द टेम्पस्ट विल स्टार्ट पोरिंग फार बियॉन्ड द टीकप। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे चार्ज हैंडओवर करने की फॉर्मेलिटीज के बारे में पता नहीं। आप परेशान मत होइए साहब, बैठिए बैठिए ना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अजी साहब, मेरी जिंदगी तो इस अस्पताल से उस अस्पताल ट्रांसफर होने में ही बीत गई। जी। अच्छा, क्या आप आज ही चले जाएंगे? जी हाँ, मुझे कलकत्ते में बहुत काम है। साइन कर दीजिए। थैंक यू। कितना वक्त लग जाएगा तुम्हें पेपर्स तैयार करने में? तकरीबन कितना वक्त? उम्मीद है 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएंगे। देखो, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे पेपर्स की गवर्नमेंट लेवल में, मेरा मतलब है एक हाई लेवल की जांच के बगैर तुम्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। हाँ, अगर तुम चाहो तो यू मे रिजाइन, तुम नौकरी छोड़कर जा सकते हो। नौकरी छोड़ना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। घर में लेबोरेटरी बनाने की वजह से काफी कर्जे ले लिए। तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर लेना। अखबार में गायनाकोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट्स के बाद मुझे कौन नौकरी देगा बताइए? मुझ पर तो लेपर डॉक्टर की मोहर लग गई है। फिर अरिजीत का असिस्टेंट बन जाओ, वो तो तुम्हारा क्लास फ्रेंड है। ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं जॉन एंडरसन फाउंडेशन को लिख देता हूं कि आप लोगों से क्लियरेंस मिलने के बाद मैं अपने पेपर्स भेज दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। तुम लिख दो कि तुम्हारे पेपर्स अभी रेडी नहीं हुए, रेडी होने पर भेज दोगे। यही तो सच है ना? ओके। तुम्हारा दीपंकर तो ग्रुप बनाने में लगा हुआ है। वो कैसे? फेमस गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वास ओपनली उनकी कैनवेसिंग कर रहे हैं। डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर मित्रा उसकी सिफारिश में है, कोई एक स्किन स्पेशलिस्ट भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। तब तो तुम्हें अपनी लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। क्यों? मैं विलन हूं जो लड़ाई के डर से भाग जाऊं? हमारा ग्रुप छोटा हो सकता है लेकिन तुम्हारी तरफ है। आई एम गोइंग टू अनमास्क हिम। मेरा कोई भी ग्रुप नहीं रामानंद, I am on the side of the truth. मेरा भी यही विचार है। मैं चाहता हूँ कि जो बात सच है वो सामने आए, इसीलिए इंक्वायरी कमेटी बैठ रही है। इंक्वायरी कमेटी? हाँ। इंक्वायरी कमेटी का एक ही मतलब है, किसी भी बात को हमेशा हमेशा के लिए दफना देना। आई बेग टू डिफर विथ यू। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ भी ऐसी चाहते हैं। बीबीसी तक पब्लिसिटी हो चुकी है, जॉन एंडरसन फाउंडेशन से इन्विटेशन आ रहा है। इतने बड़े मामले को तू यूं हंसकर टाला नहीं जा सकता। ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। आखिर हमारी भी तो कोई प्रेस्टीज है।
डोंट बी सरकास्टिक एजेंट, कमेटी में कौन कौन रहेगा ये भी तय हो चुका है। कौन कौन? एक तो तुम एज द चेयरमैन। मैं? यू मस्ट बी जोकिंग, मेरे पास ऐसा फालतू फालतू काम के लिए कोई वक्त नहीं। चलो तुम्हारे पेपर्स इस फाइल में लगा दिए, ये लो कोट पहन लो। फाइल की भी जरूरत नहीं है, कोट की भी जरूरत नहीं है। कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूं मैं कि सूट बूट पहन के हाथ में बायोडाटा की फाइल लेकर जाऊं। इंक्वायरी कमेटी में बड़े बड़े लोग रहेंगे ना। इंक्वायरी कमेटी माय फुट, मैं कोई मुजरिम हूं जो इंक्वायरी कमेटी के सामने मुझे जवाबदेही देना होगी। डॉक्टर भावा, जेसी बोस, सीवी रमन, पीसी राय, कभी इंक्वायरी कमेटी बैठी थी इनके लिए? लेकिन हालात बदल चुके हैं। कुछ नहीं बदला है, ऐसा ही अंधेरा छाया हुआ है। इंक्वायरी कमेटी मेरी परीक्षा लेगी। एक आदमी है कलकत्ते में जो लेप्रेसी के बारे में मुझसे बात कर सके, एक आदमी। सुनो, आ जाकर दिमाग ठंडा रखना। हूं हाँ ठीक है, छोड़ो मुझे। अच्छा देखो, कम से कम आज बस या ट्रेन में मत जाना, टैक्सी ले लेना। हाँ आपने काफी देर कर दी, ये इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग है। शट अप। आइए बैठिए, दरवाजा बंद कर दो। कमेटी के सदस्यों से परिचय कराना मेरा फर्ज है। यह है कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर रामानंद चैटर्जी, मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीतापति सेनगुप्त। यह है श्री उमाशंकर उपाध्याय, जो बरसों से कुष्ठाश्रम चला रहे हैं। डॉक्टर केदारनाथ दास, लेप्रेसी क्लिनिक के संचालक, और मुझे गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है मेंबर सेक्रेटरी की हैसियत से। आपका क्लेम है कि आपने लेप्रेसी वैक्सीन आविष्कार किया। इन साइंटिफिक टर्म्स आविष्कार कहना गलत होगा। हाँ, मैं जो काम कर रहा हूं उससे आविष्कार की पॉसिबिलिटी जरूर है, डेफिनेट पॉसिबिलिटी। आपके पास एक्सपेरिमेंट्स के पेपर्स हैं? मैंने लाने की जरूरत नहीं समझी, जरूरत होगी तो ले आऊंगा। देखिए, मेरे कुष्ठाश्रम में लगभग 556 कुष्ठ रोगी हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। मेरी धारणा है यह बीमारी ठीक होने की नहीं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप उनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? इसका तो एक ही इलाज है, चाल मोगरा का तेल। वो तो 19 सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। नहीं नहीं, 19 सेंचुरी में सिर्फ ऊपर ही ऊपर लगाया जाता था, अब हम इंजेक्ट करते हैं। ओह गॉड, ये तो लेप्रोसी की तकलीफ से भी ज्यादा पेनफुल इंजेक्शन है। डॉक्टर राय, हमारे लेप्रोसी क्लिनिक में आधुनिक तरीके से इलाज होता है। जी हाँ, मुझे मालूम है, आप DDS का इस्तेमाल करते हैं, डाइअमीनो डाइफिनाइलोसल्फोन, व्हिच इज कॉमनली नोन एज डेप्सोन। जी हाँ, डेप्सोन ही तो इसकी एक दवा है। जी नहीं, इसके अलावा भी दवा है। कैसे? सीबा 1806, लेम्परीन। इन केस यू डोंट नो, ये एक स्विस दवा है। इसे दवा कहना भी गलत होगा, एक तरह की डाई है जिसके इस्तेमाल से पेशेंट की स्किन का रंग बदल जाता है, और इसी तरह से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं करते। इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। खोज कर देखिए, पता चल जाएगा। अच्छा, आप लोग MDT का इस्तेमाल नहीं करते? आई मीन मल्टी ड्रग थेरेपी, नॉन इन्फेक्शियस टाइप में डेप्सोन, रिफैम्पिसिन। हालांकि जिन पेशेंट्स को जॉन्डिस होता है, टॉक्सिक फैक्टर की वजह से, उनको नहीं दिया जाता, और इन्फेक्शियस टाइप में फिर से वही डेप्सोन, लेम्परिन, रिफैम्पिसिन। आखिर कब तक आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे? क्यों, डेप्सोन का रिजल्ट तो अच्छा ही है। बैक्टीरिया रेजिस्टेंस की वजह से ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बैक्टीरिया इम्यून हो जाने के बाद काम करना बंद कर देगा। सो वी कैन से नो साइन ऑफ कंट्रोल ऑफ लेप्रसी सो फार। इसीलिए तो हम आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग हैं कौन?
बकवास बंद करके औरतों की स्टेरिलिटी दूर होने वाली अपनी वैक्सीन के बारे में कमेटी को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए। सॉरी, इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, सिंस दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। टू रिमाइंड यू, मैं लेप्रेसी पे काम कर रहा हूं, नॉट ऑन योर डैम स्टेरिलिटी। इंक्वायरी कमेटी आपसे थोड़ी सी ह्यूमिलिटी की उम्मीद करती है। आपकी रिसर्च के पेपर्स कहां हैं? हम किस चीज पर विचार करेंगे? आप विचार करेंगे, आप लोग। आप में से कौन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है? आप सेलुलर बायोलॉजिस्ट है? आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट? आप लोग अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं, आप लोगों को तो लेप्रेसी की दवाओं के नाम तक नहीं मालूम है। यू आर नॉट इवन डॉक्टर्स, यू आर अ बड़ी बंच ऑफ जोकर्स। व्हाट नॉनसेंस! हमें क्या इस तरह इंसल्टेड होने के लिए बुलाया था? एब्सोल्युटली मैडमैन, क्या हम लोग इसलिए बुलाया गया था? क्या हमने पापुलेशन को हमारा लग जाने हम लोग लिखा है? हमारे की थोड़ा हम नहीं है, आप लोग हमारे शायद की थोड़ा हम नहीं। शांत होइए। सॉरी जेंटलमैन, आई एम वेरी सॉरी, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। बात करने का कोई तमीज नहीं है, अशुभ कोदागर। डॉक्टर रॉय, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नहीं, इंसान का नुकसान कर रहा हूं, इंसान का। देखिए, जॉन एंडरसन फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट किया है, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि मुझे वहां जाकर पेपर पढ़ने की परमिशन दी जाए, दैट्स ऑल। इम्पॉसिबल, हमारे देश में विज्ञान का एक परंपरा है, इस नोबेल प्रोफेशन की मर्यादा पर हम विदेश में दाग नहीं लगाने देंगे। आप लोगों की क्या राय है? परमिशन की क्या जरूरत? यू सबमिट योर रेजिग्नेशन एंड गो, जॉन एंडरसन फाउंडेशन आपको लपक लेगी। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। जस्ट अ मिनट मिस्टर चेयरमैन। यस, मैं कह रहा था डॉक्टर रॉय थ्रू प्रॉपर चैनल दरख्वास्त दें, बाद में डिपार्टमेंट उस पर सोच विचार कर जो उचित होगा वही करेगा। राइट, मेरी भी यही राय है। इसका मतलब आप लोग मुझे यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। शुरू से ही आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, शुरू से ही। लेकिन आज मैं आप में से एक भी आदमी से नहीं डरता, एक से भी नहीं। एंड यू, लुक एट मिस्टर लायन फेस, आपका चेहरा सिंह की तरह है, सिंह बदन। और प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्र में कुष्ठ रोग का यह पहला साइन माना जाता था। सो बी केयरफुल, सिर्फ आप ही नहीं, आप सब लोग इस बीमारी के शिकार हैं। ऊपर से गरजते हैं और अंदर से कुष्ठ रोग खड़ा हुआ है। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने कोई वैक्सीन नहीं बनाया। आई सरेंडर। साला साल इन्होंने दर्द सहा, क्यों, किस लिए? तुम अब क्या करोगे, इसके बारे में कुछ सोचा है? पेपर तो तुम्हारे रेडी है, हम जॉन एंडरसन फाउंडेशन को भेज देते हैं, पर ऐसा करने से तुम्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इस्तीफा दे देंगे डॉक्टर कुंडू? मैं अब इन्हें वहां नौकरी नहीं करने दूंगी। ये नौकरी ही सारे अनर्थ की वजह है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और फिर मैं तो नौकरी कर ही रही हूं, उससे हमारा गुजारा चल जाएगा। ये अब सिर्फ रिसर्च करेंगे। सर, अच्छा हुआ आप भी यहां हैं। मैं दरअसल एक न्यूज लेकर आया हूं।
ये फॉरेन के एक मेडिकल जर्नल में छपी है। क्या पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लेप्रसी की वैक्सीन का आविष्कार हो गया है। डॉक्टर ऑल्टमैन के अधूरे रिसर्च के साथ गोनाडोट्रोपिन ग्रुप के एक हार्मोन को मिलाकर एक मीडिया बनाकर लेप्रा बैसिली ग्रो करने में कामयाबी मिल गई है, जिसकी वजह से ब्राउन माइस में लेप्रसी होस्ट करना संभव हो सका है। अरे ये तो दीपंकर का काम है। हाँ सर, सही कहा आपने। वैक्सीन प्रेगनेंसी के समय मां को लेना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप होने वाली संतान जन्म से ही लेप्रसी से प्रतिरोध करने की क्षमता रखेगी। एट लास्ट दीपंकर। वैक्सीन का एक और लक्षण स्पष्ट है, ये औरतों की स्टरिलिटी को भी दूर करेगा। ये जर्नल आविष्कारक का अभिनंदन करता है और उम्मीद करता है कि बहुत जल्दी इस पृथ्वी से ये कुष्ठ रोग पॉक्स और प्लेग की तरह हमेशा के लिए मिट जाएगा। यस यस। आविष्कारक का नाम है मैसेच्यूसेट्स के माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर ग्राहम जेस्ट्रो और डॉक्टर अल्बर्टो वेसेलिनी। हिंदुस्तान से संबंधित भी इसमें खबर छपी है। लेप्रसी वैक्सीन के आविष्कार का क्लेम भारतवर्ष से भी आया था, पर उसके पेपर्स नहीं पहुंच सके। इसके अलावा वहां के साइंटिस्ट्स, फिजिशियंस एवं हेल्थ डिपार्टमेंट इस काम से एकमत नहीं है। आविष्कार एक रेस है, रेस दौड़ है, एक प्रतियोगिता है। पृथ्वी के हर कोने में काम चल रहा है, हजारों साइंटिस्ट काम में लगे हैं। इस फील्ड में हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। एक इतनी बड़ी काम को हम सब ने मिटा कर रख दिया। मुझे इन्हें मारना ही पड़ा सीमा, और कोई चारा नहीं था। ये सब लेप्रसी के रोग से तड़प रहे थे। Thank you.
दीपांकर, डॉक्टर एमिली बर्नार्ड ने तुम्हें एक चिट्ठी भेजी है, अब मेरे एड्रेस पर भेजी है ताकि खो ना जाए। उसने मुझे भी एक चिट्ठी लिखी है, तुम्हारे बारे में बहुत दुख प्रकट की है। तुम्हें जो कुछ भी लिखी है मैं पढ़ता हूँ, सुनो। माय डियर डॉक्टर रॉय, आज दुनिया पर माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक नया युग लाया है, लेकिन फिर भी हम इंसान के जिस्म के बारे में 10% भी नहीं जानते। महाकाश की रहस्य की तरह ह्यूमन बॉडी भी रहस्यों से भरी पड़ी है। दुनिया का हर वैज्ञानिक उस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं। हम आपको इन सब विशिष्ट वैज्ञानिक के साथ हाथ मिलाकर काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। General Electric has very recently built a laboratory in Chicago. They will be very happy indeed if you can join them. I assure you, you will face no difficulties there. I very sincerely hope that, like leprosy, you will be able to solve the problems of many dreaded diseases that threaten mankind. After all, मेरी रिसर्च गलत नहीं थी सर। सोचिए सर, इंसान हमेशा के लिए लेप्रसी से आजाद हो जाएगा। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं।